दोस्तों, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था। वो वीडियो था मॉब लिंचिंग के ऊपर। तो जब मैंने उस वीडियो को डाला, वो वीडियो बड़ा हिट किया, लेकिन मुझे वो हिट नहीं लगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे मुझे हिट का मतलब है कि और ज़्यादा लोग उसको देखें तो हिट हो जाए। नहीं, मेरे हिट की परिभाषा ये नहीं है। मैंने जब उस वीडियो को बोला था तो उसमें कुछ पॉइंट्स थे जिन पॉइंट्स के बारे में बात करने के लिए मैंने इसका ये दूसरा पार्ट बनाया है, तो उस पर बात करना चाहता हूँ। मैंने जब उस पर डाला तो बहुत से लोगों को ये लगा कि मैं एंटी हिंदू बात कर रहा हूँ, मैं हिंदुओं के विरोध में बोल रहा हूँ। नहीं, मैं हिंदुओं के विरोध में नहीं बोल रहा, ना ही मैं मुसलमान के पक्ष में बोल रहा हूँ, बल्कि पक्ष और विपक्ष से हटके मैं बिल्कुल निष्पक्ष बात कह रहा हूं। लेकिन होता है ना, जब मैंने मॉब लिंचिंग पे इस लड़के की घटना जो हुई थी मैंने उस पे डाला, तो बहुत से हिंदुओं ने मुझे मैसेज की, और बहुत सारे आप भी देख सकते हो मैसेज हैं जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि जब हिंदुओं को मारा गया तो तुम कहाँ थे, क्यों नहीं बोले। भाई थोड़ा समझो। चलो ठीक है, मैं नहीं बोला, फिलहाल तो मैं बोला हूंगा। हाँ, ये बात अलग है तब वीडियो में ना बोला हूं और तरीके से बात कही हो। लेकिन अगर मैं एक हिंदू की घटना पे मैं बोलता हूं तो सिर्फ मैं एक संख्या हिंदुओं की बढ़ा रहा हूं, और इसमें हिंदुओं का वो संदेश नहीं जा रहा जिसको मैं उदारवादी कहता हूं। लेकिन जब मैं किसी मुस्लिम के पक्ष लेके बात करता हूं तो कहीं ना कहीं उन सब के अंदर हिंदुओं का एक वास्तविक संदेश जाता है जो आप सब उनको पीट के देना चाहते हो। मैं संदेश देना चाहता हूं कि देखो, एक हिंदू भी मुस्लिम के लिए चिंतित हो सकता है। उसी तरीके से जब हिंदुओं की कोई घटना हो, कोई मुस्लिम इस तरीके से अपना चिंतन दिखाए, तो एक बात इंसानियत की बनती है। नहीं तो निश्चित ही हम किसी पक्ष में बैठ के बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा इस वीडियो बनाने का कंसेप्ट ये नहीं था मैं हिंदू मुस्लिम की इन घटनाओं को आपको दिखाऊं, बल्कि मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये था कि देखो हम लोगों को किस तरीके से लड़ाया जा रहा है आपस में, और असली मुद्दों से हम दूर हैं जिन मुद्दों पे हमें वास्तव में चिंतन करना चाहिए। इस तरीके की चीजें क्यों हो? मैंने पहले भी कहा कि एक बुरा इंसान बुरा होता है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। एक अच्छा इंसान अच्छा होता है, फिर वो चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो। लेकिन अच्छे इंसान को अच्छे इंसान की तरफ देखा जाना चाहिए, बुरे को बुरे इंसान की तरह। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हम अब अच्छाई और बुराई को भी किसी कास्ट से जोड़ के देखने लगे हैं? ये सारी चीजें जो हमारे साथ घट रही हैं, मैं धीरे धीरे आप सबको अपनी ओर आकर्षित इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक दिन मैं वो बातें कह सकूं जो असल में इन घटनाओं के पीछे कारण हैं। लेकिन अगर मैं पहले वो बोल देता हूं तो आप वो सब सुनते ही नहीं हैं, इसलिए मुझे पहले वो मुद्दे बोलने पड़ते हैं जो सीधे सीधे हम लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि हमारा देश इस समय सबसे ज्यादा आर्थिक स्थिति के लिए जो है वो परेशान है। हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर दिन पे दिन होती जा रही है, और उसका सरकार को सिर्फ एक ही सलूशन जो है समझ में आता है कि बस टैक्स बढ़ाए जाए। आप लोगों को शायद नहीं पता, अभी जल्द ही एक टैक्स के बारे में सरकार चिंतन कर रही है, हो सकता है वो लागू कर दिया जाए, और वो होगा विरासत टैक्स। विरासत टैक्स का मतलब समझते हैं? विरासत टैक्स का मतलब है कि हम लोगों को हमारे पिता से या हमारे परिवार से जो संपत्ति मिली है उसमें भी सरकार टैक्स लेगी। यानी कि अगर आप इस समय 1-2 करोड़ रुपए के मकान में या संपत्ति आपके पास है विरासत की, तो आपको उस पर 25% का टैक्स या 20% का टैक्स देना पड़ेगा, तो 40-50 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो सरकार अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए सिर्फ एक ही चीज जान रही है, वो टैक्स टैक्स टैक्स। जबकि मैं चाहता हूं कि हम सब, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सब मिलके इस देश की सरकार को एक ऐसा चिंतन दें, एक ऐसी समझ दें कि नहीं, इससे लड़ने के हम और भी तरीके अपना सकते हैं। आर्थिक जो हमारी इस समय तंगी है, उस तंगी को दूर करने के लिए हम लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। लेकिन
अगर हम उन सब चीजों को देखने की बजाय हिंदू मुस्लिम पे ही लगे रहेंगे, तो जो भी सरकारें आएंगी, चाहे वो मुस्लिम पक्षधर हो चाहे वो हिंदू पक्षधर हो, वो सरकारें हम लोगों को आपस में लड़ा के अपना उल्लू सीधा करती रहेंगी, और हम लोगों के आपस में लड़ने के कारण कुछ लोग, कुछ थोड़े से लोग, कुछ थोड़े से विदेशी लोग हम लोगों को इस तरीके की आर्थिक तंगी में ले आएंगे कि हालात और खराब हो जाएं। तो मैं मॉब लिंचिंग पे बोला, हिंदू मुस्लिम के लिए लेने की क्या जरूरत है? बहुत से मुस्लिमों ने मुझे अप्रिशिएट किया, बहुत से हिंदुओं ने भी किया, बहुत से हिंदुओं ने मुझे गालियां दी, लेकिन एक भी मुस्लिम ने मुझे गाली नहीं दी। एक भी मुस्लिम ने मुझसे ये नहीं कहा कि जब हिंदुओं पे हुआ था तुम कुछ क्यों नहीं बोले, आपको कहना चाहिए था। मुझे तलाश है ऐसे कुछ मुसलमान की जो हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार के प्रति भी अपना दर्द दिखाते हो। हिंदुओं की मुझे ऐसे तलाश है जो मुस्लिमों पे हो रहे अत्याचार के प्रति दर्द दिखाते हो। और मैं फिर कहूंगा आपसे, इस मामले में हिंदू धर्म थोड़ा सा बेहतर है। बहुत से लोग उदारवादी नीति के तहत, उदारवादी हिंदू धर्म की धारणा के तहत मुस्लिमों पे हो रहे अत्याचार का विरोध करते हैं, लेकिन मुस्लिमों में ऐसा कम दिखाई देता है, इसलिए मैं ये बात टोक रहा हूं। हाँ, अब इस वीडियो में हिंदू मुझे ताली देने लगेंगे, मुस्लिम मुझे गाली देने लगेंगे। यार ये सब नहीं, ना मुझे हिंदू की ताली से मतलब है, ना मुझे मुस्लिम की ताली से मतलब है। मुझे तो मतलब है एक आदमी जो हिंदू मुस्लिम से हटके निष्पक्ष होके जी सके। हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म है मोक्ष तक पहुंचने का जरिया। मुस्लिम धर्म क्या है? मुस्लिम धर्म है एक मुसल्लम ईमान को उपलब्ध हो जाने की कला। सभी धर्मों में जो भी उनके धार्मिक कंसेप्ट हैं, उसका एक ही कंसेप्ट है कि कैसे एक बेहतर इंसान बना जा सके। लेकिन हम बेहतर इंसान बनने के लिए जो प्रयास करते हैं, वो सबका अपना चुनाव हो सकता है। कोई योग के माध्यम से बेहतर हो सकता है, कोई नमाज के माध्यम से बेहतर हो सकता है, कोई ध्यान के माध्यम से हो सकता है, कोई पूजा अर्चना के माध्यम से हो सकता है। तो तुम कैसे भी अच्छे होते हो जाओ। इन अर्थों में तुम मुस्लिम हो, हिंदू हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने अच्छे होने के लिए कौन सा मार्ग चुना। लेकिन तुमने अगर हिंदू के घर में पैदा होके या मुसलमान के घर में पैदा होके तुम मुसलमान हो गए, और इस आधार पे तुमने दूसरे को गलत बताना शुरू कर दिया, तो तुम कौन से मुसलमान ईमान पे टिक पाए? इसलिए मैं चाहता हूं कि अपनी अपनी खुद की इंसानियत को बढ़ाने के लिए तुम जो रास्ता चुनते हो उसे तुम धर्म कहते हो। तो वो तुम कोई सा भी चुनो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं राजी हूं हमेशा उस धर्म से। लेकिन जो धर्म के नाम पे संप्रदाय बन जाते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के काम करते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, मुझे कोई पसंद नहीं, कोई भी पसंद नहीं। संप्रदाय मुझे पसंद नहीं है जो संप्रदाय एक भीड़ का रूप लेके किसी एक व्यक्ति की हत्या करते हो, वो चाहे हिंदू की चाहे मुस्लिम की हो, मुझे नहीं पसंद है। तो ना मुझे कोई मुसलमान अपना समझे, ना मुझे कोई हिंदू अपना समझे, लेकिन जो सच्चा मुसलमान है, ईमान को उपलब्ध है, जो सच्चा हिंदू है, मोक्ष के रास्ते पे है, निश्चित ही मुझे उससे प्रेम है। फिर इसमें कुछ बातें आई थी। एक किसी ने मुझे कहा कि अब तू कहीं मिल जाए तो तेरी हत्या कर दे। ऐसे भी मैसेज आए, मुझे पर्सनल इनबॉक्स में भी मैसेज आए। यही तो डियर डर है, यही तो डर है। मुझे मेरी हत्या का डर नहीं है, मुझे डर यह है कि तुम एक संगठन के नाम पे, एक भीड़ के नाम पे, जब हत्या करने के लिए हत्या करके अपने अंदर के इंसान को मार डालते हो, तो फिर तुम्हारा हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं। अभी तुम मुस्लिम को पीटते हो, फिर तुम हिंदू को पीटोगे, क्योंकि तुम्हारा पीटना उद्देश्य बन गया। और यही तो वो लोग चाहते हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। यही तो वो चाहते हैं कि पहले तुम हिंदू मुसलमान करके आपस में लड़ो, बाद में हिंदू इतने कट्टर हो जाएं कि वो हिंदू हिंदू से लड़ने लगे। फिर एक दिन ऐसा होगा कि वो लोग हमारे देश में कि आतंकवादी देश हैं घोषित करके धीरे धीरे कब्जा कर लेंगे, और कोई कब्जा करने का कारण उन्हें मिलेगा नहीं। अफगानिस्तान में क्या हुआ? अफगानिस्तान में सब मुसलमान मुसलमान हो गए। वहां पे कुछ लोग थे जिन्हें कट्टरता सिखाई गई और वो कट्टरता के नाम पे मुसलमान हुए। उसके बाद वो फिर मुसलमानों की हत्या करने लगे, कभी बोरका पहनाने के नाम पे, कभी दाढ़ी रखाने के नाम पे, और फाइनली क्या हुआ अफगानिस्तान का, तुम सबको पता है। तो जो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, असल में वो उनके पूर्ण शिकार हो गए।
वो धमकी नहीं दे रहे, वो मार भी सकते हैं, मार दें, कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं, क्योंकि मैं कम से कम मौत से तो नहीं घबराता, इज्जत प्रतिष्ठा से तो नहीं घबराता, घबराता होता तो ऐसा वीडियो नहीं डालता। रही बात तीसरी, जो आप लोगों को बहुत ज्यादा, किसी को खली किसी को कुछ, कि भगवा कलर मैंने कहा कि मैं त्याग करता हूं। क्यों त्याग करने को कहा ये नहीं सुना मैंने? ये कहा कि जो भी रंग किसी को भयभीत करने का काम करता है मैं नहीं पहनूंगा। मैं नहीं चाहता कि धर्म के मार्ग के लिए, ध्यान के मार्ग के लिए जो वस्त्र चुने गए हैं, उन वस्त्रों के माध्यम से लोगों में भय व्याप्त किया जाए। किसी लोगों ने कहा आप हरा पहन लीजिए, मैं हरा भी नहीं पहनूंगा, क्योंकि हरे से भी भय है, हरे से भी कुछ लोग भयभीत होते हैं। इसलिए ये सब कलर जो हैं, मैं इनका विरोध कर रहा हूं। आप लोगों को मैं बहुत हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि मेरे वीडियो को जो पसंद करते हैं वो, जो नापसंद करते हैं वो, दोनों लोग थोड़ा गहराई से चिंतन करें कि मैंने वीडियो बोला किस लिए। हिंदू के घर में पैदा होके कोई हिंदू नहीं होता, मुस्लिम के घर में पैदा होके कोई मुस्लिम नहीं होता। हिंदू होना बड़ी बात, मुस्लिम होना बड़ी बात, तब जब तुम्हारे अंदर से इंसानियत इस शिखर पे पहुंच जाती है कि तुम सबको गले लगा सको। मैं ऐसे कई मुस्लिमों को जानता हूं, मेरे मित्र हैं, जिनकी मैं तारीफ करूं तो शायद सुबह से शाम हो जाएगी। ऐसे कई हिंदुओं को भी जानता हूं जिनकी मैं तारीफ करूं तो सुबह से शाम हो जाएगी। लेकिन थोड़े से लोग इस आपसी जो मेलजोल है उसको खराब करने पे लगे हैं। आप लोगों को चिंतन करना चाहिए। कुछ बातें कहता हूं, कल ही मुझे कहीं से खबर मिली कि इस देश में हमारी एक संस्था है इसरो, एक वैज्ञानिक संस्था है, जो कुछ कर रही है, कुछ ऐसी खोजें कर रही है कि इस देश को आगे ले जाने के लिए काम कर सके। लेकिन उस संस्था के, इसरो के, पिछले 4-5 सालों में 700 वैज्ञानिक या तो आकस्मिक मौत मरे या उन्होंने सुसाइड किया। 700 लोग रहस्यमय ढंग से मरे हैं, अचानक मर जाते हैं, उनको क्या हो जाता है? ये चिंतन का विषय है। हमारे देश में इस समय बेरोजगारी का स्तर बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया है, ये चिंतन का विषय है। हमारे देश में 80 रुपए किलो की चीनी 20 रुपए किलो में बाहर जा रही है, विदेश में अच्छी वाली चीनी की बात करो वरना आपको 40 रुपए चीनी, ये चिंतन का विषय है। हमारे देश को इस समय 80 लाख करोड़ से ज्यादा का इस समय कर्जा है, ये चिंतन का विषय है। हम लोग लगभग 3.5 लाख रुपए प्रति सेकंड का ब्याज दे रहे हैं, ये चिंतन का विषय है। चिंतन का विषय है कि हम सब जिस व्हाट्सएप और जिस फेसबुक पे लगे हुए हैं, ये 1 लाख करोड़ रुपए इस देश से कमा के ले जाती है, ये चिंतन का विषय है। चिंतन का विषय है कि हमारे टेलीविजन चैनलों को अब हम इस नाम से पुकार सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के चैनल हैं, कांग्रेस के चैनल हैं, ये चिंतन का विषय है। चिंतन का विषय है कि हम सब चिंतन करना भूल गए। चिंतन करो, मॉब लिंचिंग ये एक किसी भी समाज के लिए एक बेहूदी घटना है, किसी भी समाज के पागलपन को प्रदर्शित करती ये घटना है, जहां पे भीड़ इकट्ठी होकर किसी की हत्या कर देती है, फिर वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। इस भीड़ को ऐसा हुआ क्या है? इस भीड़ को इतनी फुर्सत कैसे मिल जाती है कि हत्या कर देती है? क्या इस भीड़ के पास कोई काम नहीं है? क्या इस भीड़ के पास इंसानियत नहीं है? क्या इस देश भीड़ के पास इतना समय है देश के जो आर्थिक हालात खराब हो रहे हैं उसको ना सोचने का, उसके बावजूद इतना समय मिल जाता है कि किसी की हत्या करती? थोड़ा सोचें, मैं ज्यादा लंबा कुछ नहीं कहना चाहता। आप लोगों को प्रणाम, हिंदुओं को सलाम, मुस्लिमों को प्रणाम। समझ सको तो समझ लेना मैं कहना क्या चाहता हूँ। आज इतना ही।
ऑडियो।